नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मेदू बड़ा की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। सूजी का मेदू बड़ा बनाएंगे, तो चलिए देख लेते हैं सामग्री। पहले आधी कटोरी हमने सूजी ली है, दही, नमक स्वाद के अनुसार, बेकिंग पाउडर, 5-6 मिर्ची काटी है, हरी मिर्ची, धनिया पत्ती, धनिया पाउडर और ये जीरा पाउडर। चलिए आगे की प्रोसेस में चलते हैं। एक बर्तन ले लेंगे, मैंने एक प्लेट ली है, इसमें डालेंगे सूजी। सूजी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितना आपको बड़े बनाने हो। और ये दही, इसको दही को मैंने पानी डाल के थोड़ा सा अच्छे से मथ लिया है, मठा की तरह कर दिया है, क्योंकि ये हमारा दही बहुत खट्टा था और खट्टा हमको ज्यादा नहीं पसंद है। ये देखिए, इसमें हमारा मठा मिल गया है। अब यहीं पे डालेंगे धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, इसको भी अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। अब बेकिंग पाउडर डालेंगे, ये मीठा सोडा है, खाने वाला सोडा, आधा चम्मच लिया है, और इसे भी इस तरीके से मिला देंगे अच्छे से। मिर्ची हरी मिर्ची ली है, हरी मिर्ची से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये सब कुछ अच्छे से मिल गया है। अब हम इसी में डालेंगे नमक, नमक स्वाद के अनुसार आप डाल सकते हैं, और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे इस तरीके से हाथ से। ये देखिए, सूजी हमारी सारी सामग्री मिल गई है, डो की तरह बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसे छोड़ देंगे फूलने के लिए 10-15 मिनट के लिए और ढक करके रख देंगे। अब इसको खोल करके चेक करेंगे, ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं, हमारा डो अच्छे से फूल गया है। अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे तेल चढ़ा दिया है और गैस को ऑन कर देंगे तेज फ्लेम में, और तेल को थोड़ी देर गर्म होने देंगे। यह छोटा सा टुकड़ा डाल करके चेक करेंगे कि तेल गर्म हो गया है कि नहीं। ये देखिए, तेल गर्म हो गया है, हमको इतना ही तेल गर्म चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, नहीं तो हमारे बड़े ऊपर से बढ़िया पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। हाथ में पानी लगाएंगे या फिर आप तेल भी लगा सकते हैं, और थोड़ा सा टुकड़ा लेंगे इस तरीके से। आप अपने हिसाब से थोड़ा बड़ा या छोटा ले सकते हैं, इसको ज्यादा मोटा नहीं करना है, ना ज्यादा पतला करना है। ये देखिए, इतना रखना है और यहाँ पे बीच में होल कर देंगे। आप अपने हिसाब से छोटे बड़े बड़े बना सकते हैं। ये देखिए, दोनों तरफ से बढ़िया होल कर देंगे। ये अच्छे से देखो, दोनों तरफ से हो गया है। अब हम इसे तेल में डाल देंगे, और पहले से बनाकर नहीं रखेंगे, तेल में डालते जाएंगे और एक एक करके बनाते जाएंगे। अब हम इसे पलट लेंगे। ये देखिए, इसमें बेकिंग सोडा डाला है ना, इसलिए ये फूल रहा है अच्छा। ये कुछ 4 बड़े हमने इसमें डाल दिए हैं, और इसको पलट पलट कर अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए, 2 हमने मेदू बड़ों को पहले डाल दिया था, तो 2 अच्छे से पक गए हैं। ये देखिए, इनको इतना ही पकाना होता है, ज्यादा नहीं पकाएंगे। और एक और पक गया है, जिनको हमने पहले डाल दिया था, और 2 बाद में डाली हूँ, तो वो 2 अच्छे से नहीं पके हैं। ये हमारे मेदू बड़ा बन करके तैयार है। इसे आप सांभर के साथ या टमाटर की चटनी या नारियल की चटनी के साथ खा सकते हैं।